मैंने उसको YouTube पे लाइव लेट कर मी दिया है। नो। आ गया अभी। ओके शुड वी स्टार्ट? या तो आई थिंक लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद नवकार मंत्र एंड देन किरीट भाई विल इंट्रोड्यूस। ओके दैट साउंड्स ग्रेट। आई एम लॉगिंग इट फ्रॉम माय लैपटॉप। जी अपन लोग नवकार मंत्र कर सकते हैं पहले शुरू करने के लिए और फिर। हाँ नरेंद्र जी, अब डू यू म्यूट हो, वांट मी टू अब म्यूट हो स्टार्ट द गए नवकार मंत्र? आराध्या जी। या आई बिलीव दिस इज बेटर देन बिफोर। जी जी बिल्कुल। नूपुर जी आप अब म्यूट है। हाँ मैं नमोकार मंत्र से स्टार्ट करूं? हाँ जी। हाँ, नमो अरिहंताणम्, नमो सेताणम्, नमो आयरिताणम्, नमो वज्रायानम्, नमो नमोए सर्वसाहूणम्, एषो पञ्चणमो यारो सर्वपापणाशनो, मूलाणं च सर्वेशे परमम् अवै मङ्गलम्। It is my great pleasure to introduce our speaker, Aradhya ji. He is a Jain Darshan Shastri, graduation in Sanskrit medium with specialization in Jain philosophy and logic from Rashtriya Sanskrit Sansthan, Jaipur campus. Siddhant Shastri from Sri Todarmal Digambar Jain Siddhant Mahavidyalaya, Jaipur, and PGDM in retail management and marketing from Institute for Technology and Management. Khargar campus. He is associated with propagation of Jain Adhyatma by giving discourses, conducting activity-based learning sessions, and constantly innovating the learning process according to the modern needs. He is a faculty for multiple batches of Permagam honors course from inception, that is in 2016. A systemic course for learning Jainism from basics to the scholar level in classroom pattern. And also teaches kids of Mona, that is Mumukshus of North America, through conference calls from 2012. Jai Jinendra, Aradhya ji, aap boliye sir. Namaste. Thank you, Jai Jinendra. So, before starting, I will just ensure that we are all the same page. And I would like everybody to know what to expect in next 10 days. For my lectures. To start with, hello? Yeah, boys, we can hear. Yeah, hope that's fine, right? Yeah, that's fine. Okay. So to start with, I understand that most of you would have a very good knowledge. You have been hearing and learning a lot of Jain principles. So our focus is going to be more or less on the application of the Jain principles and concepts. We will start with the basics and we will end up at a very advanced level. So each and every day, it is going to be a journey. I will not be using a lot of terminologies. I will be using more of a day-to-day words, day-to-day vocabulary, which we are used to. हाँ, अगर कभी मेरा ज्यादा इंग्लिश हो जाए या हिंदी हो जाए तो प्लीज मुझे बोल दीजिएगा। मैंने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंपल्सरीली आंसर देना ही है। कई बार ऐसा होएगा कि मेरे स्टाइल के अंदर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप आंसर नहीं दोगे ना, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, दिस आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई वांटेड एवरीबॉडी टू नो। सो लेट्स स्टार्ट।
without wasting any time. Moksha mangasya nitaram bhitaram kama bhutam gyataram vishva tatvana vande tadguna namah. चलिए, मेरे को ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग भी इतने एक्टिव हो और अपने बिजी लाइफ शेड्यूल में से भी ये 10 दिन के लिए आप लोगों ने टाइम निकाला है और हम सब लोग यहाँ पे एक फेस्टिवल 10 लक्षण महापर्व को बनाने आए हैं। आप में से कई लोग इस फेस्टिवल को पर्युषण के नाम से भी जानते हो। इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग एक अलग तरीके से यूज करेंगे। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम धर्म के 10 लक्षण को भी समझेंगे, वो क्या है, कैसे है, उसको भी जानेंगे। थोड़ा सा अप्रोच अलग होएगा समझने का। तो अगर आपको कहीं पे आप इसको एकदम ओपन माइंड से लीजिएगा, आप उसको ये मत समझ लीजिए कि मैं कोई धर्म की चीज समझ रहा हूँ। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर वी आर कम्युनिकेटिंग। सो इट इज लाइक अ मूवी, इट इज लाइक गोइंग टू बी अ जर्नी। आपको बस जाके एंजॉय करना, ठीक है? 10 दिन है, मैं समझता हूँ कि 10 दिन आप लोग बहुत ज्यादा टाइम निकालेंगे, तो मैं आपको बीच बीच में हो सकते है कि कुछ होमवर्क्स भी दूं। होमवर्क करना नहीं करना आपके हाथ में है, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन जो होमवर्क करके आएगा उसको उतना बेनिफिट मिलेगा। ओके, चलिए। सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए, 10 लक्षण के टाइम पे आप सब लोगों को आके आप ये रिलीजियस होके आप लोग सब चीजें जानते हो समझते हो, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? थोड़ा और पीछे जाते हैं, इन 10 दिनों को छोड़िए। इस दस दिन से पहले भी अगर जाए तो आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप जब से पैदा हुए हो तब से लेके अभी तक का आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? व्हाट इज इट फॉर विच यू हैव बीन स्ट्रगलिंग? व्हाट इज इट फॉर विच यू हैव बीन डूइंग ऑल काइंड ऑफ मेहनत, ऑल काइंड ऑफ हार्ड वर्क ईच एंड एवरी डे? आप सुबह उठ जाते हो टाइम से, काम करते हो, बट किस चीज के लिए, क्यों? Is it a blind race? Yeah. Is there some kind of a clarity in your mind? Ki, okay, this is what I want to achieve. Chalo, aap khud ka rehne dete. Let us start with our kid. Hum apne bachcho ko jaise hi 6 saal 8 saal ke hote hai to school mein kyu bhejna chahte hain? एक सुपीरियर मोटिव, एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्या है उनको कहीं पे भी भेजने के पीछे? इज देयर एनी ऑब्जेक्टिव और इज इट लाइक कि भाई ठीक है अभी बच्चे हैं क्या करेंगे, काम करते हैं, इनको स्कूल भेज देते हैं, हमें बस एक्स्ट्रा पैसे है ना, एंजॉय करके आएंगे। आपके हिसाब से क्या उसके पीछे का रीजन है? ये क्वेश्चन के आंसर्स में आप सबके दिमाग में ना एक ही चीज आएगा, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे आ सकते हैं बट उन सब में से एक कॉमन आएगा, टू बी सक्सेसफुल। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड ये सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है। उसका बेंचमार्किंग क्या है? हाउ डू यू मेजर वेदर अ पर्सन इज अ सक्सेसफुल और नॉट? नरेंद्र जी सक्सेसफुल है कि नहीं है? क्या उसका कोई मेजरमेंट है, कोई उसका बेंचमार्किंग है? इज देयर एनी वे बाय विच यू कैन से कि ओके दिस पर्सन इज सक्सेसफुल एंड दिस पर्सन इज नॉट? अच्छा एक बात बताना, अंबानी सक्सेसफुल है कि नहीं है? आप कैसे बोल रहे हो सक्सेसफुल है? उसकी फैमिली मेंबर्स से जाके पूछो कि हैज अ ब्रदर इज ही सक्सेसफुल?
Has a husband, is he a successful? Has a father, is he a successful? Has a Tauji, has a XYZ, is he successful? भाई मतलब आपका क्या बोलना है कि बॉस इन लाइफ देयर मल्टीपल फैसेट्स, उनमें से आप किसी भी एक भी चीज में अगर आपने अच्छा कर लिया तो यू आर सक्सेसफुल, इज दैट करेक्ट? आपकी लाइफ एक फैसेट से या एक पॉइंट ऑफ व्यू से या एक पार्ट से चलती है? You need to be multitasking. You need to cover all the areas. अब मुझे बताना आपकी नजर में सक्सेसफुल कौन है? एक ऐसा बंदा जो कि एक अपने फील्ड में टॉप पे है, बाकी सब एरिया में डब्बा गुल है. और एक ऐसा बंदा जो कि अपने फील्ड में ही इज डूइंग गुड, बट उसकी फैमिली लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, उसकी बाकी की जो एरियाज है, उसकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकली, एवरी एरिया ही इज प्रेजेंट. अब किसको सक्सेसफुल मानोगे? देखो अगर किसी को डाउट है ना आपके दिमाग में कि भाई पहला बंदा, तो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी लोग यंग एज में मतलब 20 से लेके 40 की एज तक ना पैसे के पीछे भागते हैं ना, वो बाद में है ना किसके पीछे भागते हैं? ओके, नाउ वी नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी, नाउ वी नीड टू डू सोशल वर्क, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड रिलीजन. So that means ki being an expert in your area of domain is not the correct benchmark of becoming a successful person. Ab is cheez ko samajhte hai to ab ek baat batao, dono area mein if I need to deduct and understand ki wo kaun sa key element hai jiske base pe you will say ki okay this person is successful and this person is not. दो बच्चे हैं, एक बच्चा 95% लाके रोने बैठ गया और डिप्रेशन में चला गया, दूसरा बच्चा 80% लाके सेलिब्रेट कर गया, ही इज हैप्पी. बताओ इन दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा आपको ज्यादा पसंद आएगा? हाँ वीना जी बताइए. उसको मनाना पड़ेगा. अब देखना, दिस इज वेयर आवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज गोइंग रॉन्ग. व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द एंड एजेंडा, टू स्कोर 95% और टू हैप्पी? हैप्पी. यदि वो बंदा 95% लाके रोने बैठ गया है, डिप्रेशन में गया, तो क्या फायदा वो 95% का? उसको मनाना पड़ता है ना, दैट्स द पॉइंट. आज आप उसको बनाओगे, कल कौन बनाएगा? नहीं, उसको एक बार पेरेंट्स के हिसाब से मना लो तो वो फिर थोड़ा समझ जाएगा. चलिए ठीक है, उसको मनाना पड़ेगा, समझ जाएगा. ओके, ये चीज याद रखना क्योंकि इस पे हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे अगेन टुडेस लेक्चर. बट रिमेम्बर वन थिंग, दोनों बच्चों में से ना आइडियल केस कौन सा है? वो बच्चा है इन आर लाइफ, वो बच्चा है जो कि खुश है. क्योंकि अगर आपकी एग्जाम की रेस में एक फैमिली 95 लाख रुपीज पर एनम कमाती है, दूसरी फैमिली 80 लाख रुपीज पर एनम कमाती है ना, 80 लाख रुपीज वाली हैप्पी और 95 लाख रुपीज वाली हैप्पी नहीं है. उनको ये दिखाई दे रहा है कि भाई बाजू वाले के पास ये है, वो है, मैं खाली 95 पे हूं, आई नीड टू बी एट 100, आई नीड टू बी एट 120.
उसकी वाइफ उससे इस बात से परेशान हो जाएगी, उसकी बच्चे इस बात से परेशान हो जाएंगे, उसकी फैमिली में इस बात से परेशान हो जाएंगे कि भाई आई नीड यू। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो यंगस्टर्स बोलते कि भाई मतलब लड़कियां नॉर्मली ऐसे डिस्कस करते कि व्हाट विल यू प्रेफर, क्राइंग इन अ मर्सिडीज और क्राइंग इन अ मारुति। यू नो व्हाट इज द इंटेलिजेंट आंसर टू दिस? Riding happily in a bicycle with my husband. एक एंड पे मर्सिडीज में एक वाइफ बैठी है, एक एंड पे मारुति में एक वाइफ बैठी है, दोनों रोती रहेंगी और दोनों जन किसको देखेंगी पता है? उस वाइफ को जो बाइसिकल में अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक जा रही है। पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि हम लोगों का दिमाग इतना करप्ट हो चुका है ना कि बिजनेस में अभी मैं आपको बोलू ना कि बॉस आई नीड टू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीज, नरेंद्र जी 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना स्टार्टअप में, बताइए कैसे करना है? वोंट यू चेक ऑल द बैकग्राउंड और won't you be asking all the WH questions? Then why not over here? आपको 1 करोड़ रुपया कमाने को कितना टाइम लगा? If I'm not wrong, अगर आप 50 साल के हो ना तो आपको 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए 50 साल तो नहीं लगे। I can bet on it. लेकिन आपको ये 50 साल पता है किस चीज में लगे? टू बी हैप्पी। अब मुझे बताओ वेरी लॉजिकली किस चीज की वैल्यू ज्यादा है, किस चीज में आपको दिमाग थोड़ी ज्यादा करने की आवश्यकता है? जिसमें आपने आपकी फुल लाइफ दे दी है, मतलब जस्ट इमेजिन आपका पूरा बचपना एक ऐसी रेस में भागने में गया है जिसका एंड आउटकम इज टू बी हैप्पी। आपने इंजीनियरिंग क्यों किया था? आप डॉक्टर क्यों बने थे? 9 to 5 जॉब के लिए? आप 9 to 5 जॉब क्यों करते हो? Will you like to work even if you are not getting paid? Even if it is a thankless job? Given a choice, what would you prefer? Donkey work or enjoying your life? I doubt in this old world if there is a single person who would say that I don't want to enjoy my life. ऑब्जेक्टिव, लेट अस ऑल बी ऑन द सेम पेज। हमारी लाइफ से एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है हैप्पीनेस, वो है खुश। नाउ लेट अस फिगर आउट हाउ टू अचीव। नेक्स्ट 10 days इज ऑल अबाउट हाउ टू अचीव दैट हैप्पीनेस, दैट पीस ऑफ माइंड, दैट सुख विच वी वॉन्ट। अब जब मैंने सुख की बात की है, हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं ना, मैं यहां पे एक और वर्ड को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, इलेटेड, ELATED, ELATE। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड बीइंग इलेट। सुख और खुशी, इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस है। अभी तक हम सुख के पीछे भाग रहे थे, खुशी मिल रही थी उसमें हम लोग सेटिस्फाई हो रहे थे। नॉट बैड, इट इज नॉट एट ऑल बैड, बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन एट द मोमेंट enjoy or have सुख और खुशी, सॉरी
let me repeat. Our focus is going to be how we can achieve khushi at the present moment, but at a bigger picture, we want to achieve sukh. Now, the process will start by understanding few of the qualities of the soul. To name precisely, we are going to focus on understanding 10 qualities of the soul. Okay? Any doubts so far? Chalo. अब जब मैं 10 क्वालिटीज की बात कर रहा हूं तो इन 10 क्वालिटीज में से सबसे पहली क्वालिटी आती है फॉरगिवनेस. नरेंद्र जी, आप वीना जी को फॉरगिव कर दीजिए. आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया? व्हाट फॉर? एग्जैक्टली. क्यों? काई के लिए? व्हाट फॉर? क्या आपने, आप लोगों ने आपकी लाइफ के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कम से कम 10 लक्षण के लेक्चर्स तो सुने होंगे. क्या आपने कभी पूछा कि क्षमा, बट फॉर व्हाट? गलती क्या है? पहला चीज. दूसरा चीज, इफ आई से बकुल जी माफी मांगिए, दूसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा बकुल जी आपके दिमाग में? किससे मांगू? क्यों मांगू और किससे मांगू? ये ही दो क्वेश्चन हैं जिसको आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है. वी हैव गॉट 19 मिनट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कैन आई एक्सटेंड अ लिटिल बिट मोर? सॉरी, फिर से रिपीट करिए. क्या टाइम कितना? अपने पास 19 मिनट्स है ना. अभी अपने को करीब 25 मिनट्स हुए हैं, तो अभी है अपने पास 35 मिनट्स और हैं अपने पास. परफेक्ट. चलिए, ये दो क्वेश्चन को हम है ना आज के दिन समझने की ट्राई करेंगे. सबसे पहले किससे माफी मांगना है, दूसरा क्यों माफी मांगना. बहुत इजी आंसर दे दूं, क्यों माफी मांगना है? क्योंकि हमारा लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव था. हम लोगों ने बचपन से लेके पढ़ाई किया, शादी किया, बच्चे किया, घूमे, पता नहीं दुनिया भर के क्या क्या तामझाम नहीं किया, लेकिन एक ही चीज को अचीव करने के लिए, और वो था हैप्पीनेस. और हम वो अचीव नहीं कर पाए. ये हमारी गलती है. इस गलती के लिए हमें माफी मांगनी चाहिए. किससे मांगोगे भाई? जिसको दुख दिया है ना उससे मांगो ना. बताइए विना जी. स्पाउस को. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा आंसर दिया है. आई लव्ड इट, आई लिटरली लव्ड इट. आई एम सॉरी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट योर हस्बैंड्स नेम, बट एक बात बताइए नरेंद्र जी. आई जस्ट नो टू और थ्री नेम्स विच आई कैन सी. नरेंद्र जी एक बात बताना, व्हेन विल बी यू हैप्पी? When your spouse is happy or when your spouse is sad? When my spouse is happy. I think so. You missed something.
ऐसे कैसे हो सकते हैं? So you mean to say कि you yourself is a spouse? Spouse तो gender neutral होता है ना, if I'm not wrong. So you yourself is a spouse and you are saying that you will be happy when your spouse is going to be happy, but you yourself don't want to be happy. So how will your spouse be happy? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कभी सोचा आपने इस बारे में? इफ यू योरसेल्फ आर हैप्पी देन योर स्पाउस विल बी हैप्पी दैट यू आर हैप्पी, सो सी विल बी हैप्पी और ही विल बी हैप्पी, एंड इफ ही और शी इज हैप्पी देन यू विल बी हैप्पी. डज इट मेक सेंस और डजंट मेक सेंस? So if I need to zero down, then can I say कि अगर आप खुद खुश हो ना तो आप भी खुश होगे, आपकी फैमिली में सब लोग भी खुश रहेंगे. So अगर आप खुश नहीं हो तो उसके लिए सॉरी आपको आपके स्पाउस को बोलने की जरूरत नहीं है, खुद को बोलो, क्योंकि आप खुद भी तो स्पाउस हो ना. This is exactly the same mistake which we are also making in our religion. आत्मा का मतलब क्या होता है? Can anyone give me an answer? आत्मा का मतलब क्या होता है? बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल आंसर है. आत्मा को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो उसका मीनिंग आएगा आई. आत्मा का मतलब जीव नहीं होता है. Sorry, Aradhya ji, I think we... Yeah, we connection... connection nikal gaya. Yeah, he's joining back now, I think so. नरेंद्र जी. जी बोलिए. हम भी सुबह में दर्श करते थे पूजा, तो आई हैव टू लिटरली एडमिट हूएवर जॉइनिंग इट. डू आई हैव टू डू एवरी टाइम? नहीं, तो जैसे वो था ना उसमें कि एक मिनट है, बाद में बात करेंगे जो कनेक्शन हो जाए तो. Huh. Usmein you can always remove the in fact I will do har subah ki uske liye I will not have any waiting room. Right, because you know mera distract ho jata hai, main puja karta hu na, so I cannot concentrate in puja. Bilkul no problem. I think Aradhya ji is back. Yeah, he's back. Yeah.
Sorry, there was some issue with the application. Were you able to hear me last? Yeah, आप उसकी बात कर रहे थे कि what is the meaning of आत्मा? Yeah. आत्मा का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? आत्मा का मीनिंग होता है आई, मैं. आत्मा का मीनिंग आपका बाजू वाला या कोई भी जीव या कोई और नहीं होता है. आत्मा का मीनिंग होता है मैं, आई myself. सेम मिस्टेक. स्पाउस कौन है भाई? खुद भी तो स्पाउस हो, वो क्यों भूल गए? आत्मा कौन है? खुद भी तो आत्मा हो. You're getting my point? Hello? Now coming back to the topic. अब आपको यदि माफी मांगनी है तो किससे मांगनी है, क्यों मांगनी है? क्यों मांगनी है आपको समझ में आ गया? किससे मांगनी है वो भी समझ में आ गया. लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा. क्या है ना, बहुत शॉर्ट में मैंने एकदम वन वर्ड आंसर दे दिया ना. तो पीछे की जो रामायण महाभारत की जो कहानी है ना, बैकग्राउंड है ना, समझ में नहीं आ रहा. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट इन डिटेल कि किससे क्यों मांगनी है. फाइन, चलिए मैं आपको एक हम लोग ना 10 लक्षण में 10 लक्षण के साथ साथ ना कुछ और टॉपिक्स भी कवर करेंगे साथ के साथ. ओके, अब जो 10 लक्षण है ना, इसके अंदर नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू वन मोर कहानी, वन मोर मूवी, वन मोर स्टोरी. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी आउट इन दैट स्टोरी. अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस टू कैरेक्टर्स. टिपिकल मूवी है, एक हीरो है. हीरो कैसा होता है? सिंगल, अकेला, और उसके सामने विलन्स है. विलन की फुल फैमिली है. जिस फैमिली के अंदर एक दादाजी है, उन दादाजी के 4 बच्चे हैं. चारों बच्चे ना डेडिकेटेड विलन है, मतलब उनकी लाइफ के अंदर विलन बनने के अलावा कोई काम धंधा नहीं है. उनने शादी तक नहीं की है. वो बोलते हैं फुल टाइम जॉब है उनका विलन बनने का. अब उन 4 बच्चों के में से एक ऐसा है जो कि ना थोड़ा सा होशियार है. तो उसने क्या किया, उसने चुपचाप बिना किसी को कानों कान खबर हुए 5 बच्चे पैदा कर दिए. ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर सबको ध्यान में आ गया. दादाजी, उनके 4 बच्चे, फुल डेडिकेटेड विलन, उनमें से एक का 5 बच्चे. क्रिस्टल क्लियर? चलिए अब मुझे बताओ कि ये हीरो जब जाएगा और उस विलन से लड़ने जाएगा तो सबसे पहले उस विलन से लड़ने के लिए कौन आएगा? दादाजी आएंगे क्या? आपके हिसाब से सबसे पहले लड़ने के लिए कौन आएगा? दादाजी आएंगे कि बच्चे आएंगे कि पोते आएंगे? देखो, दादाजी इज टू ओल्ड, तो क्या बोलेंगे, अरे तो ऐसा का हर कोई आए और मैं जाके लड़ने बैठ जाऊं ना तो मैं अपना काम धंधा कब करूंगा? सो ही विल नॉट एंटरटेन यू. पोते जो है ना वो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो जाके ना हीरो को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हीरो को ऑक्यूपाइड रख सकते हैं, लेकिन उसको हरा नहीं सकते. तो कौन आएगा?
और जो बीच के बच्चे थे ना वो लोग आएंगे लड़ने को। लेकिन आपको पता है वो जो बच्चे लड़ने को आएंगे ना, उन बच्चों में जो लड़ने की जो हिम्मत है वो कहां से आती है? दादाजी के पास से। वो बोलते ना तुम पे किसका हाथ है, हमारे दादाजी का हाथ है। सेम लाइफ में सेम फंडा है। हम सब दुखी क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हमें नहीं पता है कि हमारी लाइफ का हीरो कौन है। जैसे आपको नहीं पता है ना कि आपकी फैमिली में, आपकी मैरिड लाइफ में स्पाउस कौन है, आपको पता है कौन है स्पाउस? भाई खुद हो ना। तो वैसे ही इस मूवी के भी जो हीरो है वो कौन है पता है आपको? ये कि ये आप सब लोगों की कहानी है ये। इस कहानी में आप सब लोग हीरो हो और आपकी गलती ये है कि एज अ हीरो आपने उन विलन से जाके लड़ाई नहीं की, उनसे आपने जीता। ये आपकी मिस्टेक है जिसके लिए यू नीड टू बी सॉरी। किससे? जो दुखी है उससे। दुखी कौन है? योरसेल्फ। अब इसके अंदर मैं आपको क्विकली इस एग्जांपल के जो फैमिली स्ट्रक्चर बताया ना उनके नाम भी बता देता हूं ताकि आपको इजीली कनेक्ट हो जाए। ठीक है, पांच बच्चे बताए कौन है? पांच बाप। पांच ग्रैंड सन्स। जस्ट टू बी मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, जो ग्रैंड सन्स है ना, ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो पांच आपके पाप है। जो सन्स है, सन और बेटिया है, वो कौन है? चार। कौन है? चार कसाय है। और इन सबके जो पिताजी या दादाजी वो कौन है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मीनिंग क्या हुआ? मिथ्यात्व का मीनिंग बहुत सिंपल सा है, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको दूर करना है तो कैसे दूर किया? अभी आई कैन सी ओनली वन कपल, सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी मोर और लेस। सो वीना जी, आपके आपके हस्बैंड के बीच में तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप उसको कैसे, उसका सोल्यूशन क्या? आई एम जस्ट रिसेंटली मैरिड सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू यूज इट। सेटिस्फाई करना कैसे? मिसअंडरस्टैंडिंग को आप सेटिस्फाई करने से कैसे निकालोगे? एक्सप्लेन करके। एक्सप्लेन करना, ओके। सो कैन आई से कि इंफॉर्मेशन शेयर करना, राइट नॉलेज सामने रखना और उस नॉलेज के ऊपर जब आपका पार्टनर उस पर भरोसा करेगा, ट्रस्ट करेगा, तो ही मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होएगा। ना इमेजिन, मैंने मेरे पार्टनर के सामने सारी इंफॉर्मेशन रख दी बट उसने क्या बोला? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू से लाइक दिस ना, व्हाई विल यू टेल मी द ट्रुथ? बताओ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी? नहीं। सेम कॉन्सेप्ट मिथ्यात्व के साथ है। मिथ्यात्व इज मिसअंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड देन इट्स टू बी टू पीपल जिसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दो कौन है? आत्मा। आत्मा मतलब कौन हुआ? आई माइसेल्फ। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग किसके साथ होएगी? स्पाउस के साथ और खुद के साथ। एकदम एक्यूरेट समझा आपने।
जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि भाई स्पाउस का मतलब मैं खुद हूं, नॉट द अदर पार्टनर, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आत्मा का मतलब मैं खुद हूं, नॉट एनीबडी एल्स, नॉट एनीथिंग एल्स, तब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी। छह द्रव्य के अंदर एक जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य के अंदर भी मैं एक आत्मा हूं और मेरा फोकस उस आत्मा पे होना चाहिए। जब तक ये क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक मिथ्यात्व जीतेगा। वो आपने मिथ्यात्व को जीतने दिया है, ये आपकी मिस्टेक है और इस मिस्टेक के लिए आपको अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा। All of this making sense or not? चलिए, क्यों बता दिया, किससे बता दिया, लेकिन अभी भी ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। देखो वीना जी, अगर ना मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके इतना इजी होता ना, तो जैसे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी ना, तो आपके आपके पार्टनर के बीच में ना मैरिड लाइफ हैप्पी लाइफ हो जानी चाहिए। ऑफ कोर्स, लेकिन होती है। इसका मतलब है कि वी हैव मिस्ड समथिंग। नाउ व्हाट वी हैव मिस्ड, क्या मैं आपको वो चीज आधा घंटे में समझा सकता हूं? चलो थैंक यू, इसलिए अपने पास 10 दिन है। हम 10 दिन एक एक एंगल से, एक एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे और समझेंगे कि हम उस चीज को कैसे पा सकते हैं, हम हमारी मैरिड लाइफ को हैप्पी लाइफ कैसे बना सकते हैं, हम हमारी लाइफ में, हमारे करंट भाव में हम सच्चे सुख के कितने करीब जा सकते हैं। दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड बट फील इट एट द एंड ऑफ द 10 डेज, प्रोवाइडेड आप लोगों ने एज अ गुड स्टूडेंट सारे होमवर्क किए तो। डील है सबके साथ? चलिए अभी क्षमा भाव की बात करते हैं। क्षमा भाव का मतलब होता है फॉरगिवनेस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में? आपकी डे टू डे लाइफ में हाउ डज इट इंपैक्ट, हाउ डज इट इंफ्लुएंस, हाउ डज इट लीड योर लाइफ? कभी सोचा इस बारे में? देखो अभी अगर मैं आपको बोलूं ना कि आपको 1 करोड़ रुपया, नरेंद्र जी 1 करोड़ रुपया, ये एक प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू आस्क? भाई ये प्रोडक्ट लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? वो प्रॉब्लम क्या, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि डे टू डे लाइफ की है और पिंचिंग है, जिसके लिए पीपल आर विलिंग टू पे एंड बाय द प्रोडक्ट। नाउ लेट मी आस्क यू द सेम क्वेश्चन, आपकी लाइफ में आप दुखी क्यों हो? क्या आपके पास में वो सोल्यूशन है या नहीं है? अगर सोल्यूशन है तो वो क्या सोल्यूशन इतना पावरफुल इंपैक्टफुल है जिसके लिए पीपल, हु आर द पीपल, जिसके लिए पीपल
जिसके लिए पीपल आर विलिंग टू स्पेंड टाइम, आर विलिंग टू पुट इन एफर्ट्स. भाई इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है. आप सब लोगों ने आपकी जिंदगी का 90% टाइम इसी चीज के पीछे दिया है, सो आई डोंट थिंक कि विलिंगनेस नहीं है. तो कमी किस चीज की है? डायरेक्शन की. अरे बाबा सर आपको पता है ना, कैन यू सी अस, आपके सिर पे तो भी बाल है, वो भी काफी काले है. आपको हमारे इधर दिखाई दे रहा है? हमारे तो बाल भी नहीं, और जो है ना गिने चुने वो भी सफेद है. हमने इतने 10 लक्षण सुने हैं, आपको पता है हमें धर्म के 10 के 10 लक्षण का नाम तक याद है. छोटे दादा की किताब तो रट्टी पड़ी है. अगर सब कुछ है तो क्या मिसिंग है? I will tell you what is missing. You are not able to connect the dots. मेरे पास सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन को मैंने यहां पे रखा है. मेरे लाइफ की प्रॉब्लम है जिसको मैं झेल रहा हूं, उसको मैंने यहां पे रखा है. करना क्या है? इसको कनेक्ट. लेकिन कैसे? लेट्स फिगर आउट. फॉरगिवनेस है, नाउ टेल मी इफ यू आर एबल टू फॉरगिव योर सेल्फ फॉर द इनजस्टिस, for the all the cruelty, for the unsuccessful, for the failure of achieving what you wanted to achieve. जब आपने खुद को forgive किया तो आपको क्या लगता है, आप दुनिया में किसी को forgive कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? Yes. Imagine. Let me rephrase my question. ठीक है? एक करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आम इंसान की लाइफ स्पेन कितनी होती है? 80 years. उस 80 years में वो सबसे मैक्सिमम टाइम किसके साथ स्पेंड करता है? स्पाउस, मॉम डैड और किसके साथ? बच्चे. हाँ जी, बच्चे के साथ, शादी के पहले पेरेंट के साथ, शादी के बाद स्पाउस के साथ, उसके बाद बच्चे के साथ. अच्छा एक टेंटेटिव आइडिया बताइए ना, पेरेंट्स के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80 साल में से समझ लो 20-25 साल रहते हैं. चलो बाकी के साल में वो जो एक एक दो दो दिन ट्रिप्स पे जाते हैं, मस्ती करते हैं, फैमिली मीटिंग्स होती है, उन सब को भी कंसीडर किया ना, तो मैक्स टू मैक्स आप 30 साल रहते हो स्पाउस के साथ. 40-50 साल. चलिए 40 साल. बच्चों के साथ भी वही 20-25 साल. हाँ जी 20 साल. ठीक है, एक बात बताओ, आपकी 80 इयर्स की लाइफ में एक तो ऐसा इंसान होएगा ना जिसके साथ आप फुल 80 इयर्स तक रहते हो, कौन है वो एक इंसान? योरसेल्फ. मैं खुद. तो सबसे पहले आप लोगों ने ये क्यों नहीं बोला कि हम सबसे ज्यादा टाइम हम खुद के साथ रहते हैं?
आपने पूछा किसके साथ, तो हम किसके साथ इसीलिए बोला, अकेले नहीं. Exactly, that's my point is. अभी मैंने आपको बोला कि अगर आपको माफी मांगनी है तो किससे मांगोगे? अपने पास, अपने पास. Who is this spouse? अपने खुद के. आत्मा का मतलब क्या है? I. Ourself. खुद ही. मेरे ख्याल से अपने लेक्चर को आधा घंटा कंप्लीट नहीं हुआ है जिसमें मैं ये सेम चीज फोर्थ टाइम रिपीट कर रहा हूं. अब आपको समझ में आया कि आपको क्षमा क्यों मांगना है और किससे मांगना है? अपने पास से मांगने का है. यदि समझना, मैं आपको ना एकदम प्रैक्टिकल आपके लाइफ से कनेक्ट करके मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आई विल एंड दिस टॉपिक. किसी को अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग सुन ले. मेरी वाइफ से शादी हुई, एक साल तक अगर मैंने उसको इग्नोर किया क्या होएगा? मेरी अभी शादी हुई है, मेरे को कैसे पता होएगा? आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो, आपके बच्चों की भी शादी हो चुकी होगी. बताइए अगर मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया और मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या होने वाला है? मेरी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है? हैप्पीनेस. हाँ, हैप्पीनेस. मेरी मैरिड लाइफ हैप्पीफुल हैप्पी होएगी? देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं क्वेश्चन कंडीशन. आई रिसेंटली गॉट मैरिड. विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज आई इग्नोर्ड माय पार्टनर और माय वाइफ. हमारे इधर तलाक का ऑप्शन नहीं है. अब बताओ क्या होएगा जो बाकी की लाइफ में मेरी वाइफ के साथ जीने वाला हो, उसमें वो एक साल का इग्नोरेंस विल बी अ ब्लेसिंग और विल इट बी अ कर्स? मैं अपनी वाइफ से पूछू ना तो वो पता क्या उसका आंसर पता कैसा है? वो वहां पे बैठी पता कैसी है? क्यों नहीं मारा? ये करियो मैं बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ. याद रखना ऐसा नहीं होता है आपने आपकी शादी की पहली आपकी वाइफ की बर्थडे को अगर आपने मिस कर दिया फिर क्या होता है? आपके बच्ची की शादी होती है ना, तो उस शादी में आपकी वाइफ आपके बच्चे को क्या टिप देगी? अपने पार्टनर का बर्थडे मिस नहीं करना, यही टिप होगा ना सबसे पहला. नाउ इमेजिन आप लोगों ने आपकी लाइफ के सबसे मेजर पार्ट जिसके साथ आप रहते हो उसी को इग्नोर किया. डोंट यू फील दैट यू नीड टू बी सॉरी फॉर दैट? मजे की बात बोलू, आज के डेट में ना यदि विनय जी को विनाथ जी को उनके हस्बैंड या वाइफ से सॉरी बोलना है ना तो सबसे डिफिकल्ट है. हमें जो सबसे इजी लगते हैं सबसे डिफिकल्ट है, पता है क्यों? एक जन को माफी मांगनी पड़ेगी, दूसरे जन को माफी देनी पड़ेगी. इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है. अपने आत्मा के साथ क्या है? माफी कौन देने वाले और माफ कौन करने वाले?
सॉरी सुनाई नहीं दिया मेरे को, आवाज आ नहीं रही है क्या? खुद ही सुनाई नहीं दे रहे कौन? आत्मा को? I will give you a reason why it is most complicated. खुद को खुद से माफी मांगना सबसे सिंपल होना चाहिए, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? यहां पे देखना, बताओ मुझे किससे सॉरी बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए? आई एम रिपीटिंग माई एक्शन एंड ट्रस्ट मी, ये जितना इजी और सिंपल है ना उससे ज्यादा इजी और सिंपल ना आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। आप सब लोग बॉम्बे में या इंडिया से हो? आप सब लोग इंडिया छोड़ के वहां पे गए, वहां पे जाके सेटल डाउन हुए। आपको पता है ऑफिस में कितनी पॉलिटिक्स चलती है? आपको पता है उधर सोशली कितना स्ट्रगल चलता है? इफ यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द इफ यू हैव द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू सॉल्व दोस पजल्स, देन हेल्प मी टू सॉल्व दिस पजल। इसके लिए किसको किससे माफी मांगनी चाहिए और क्यों? और क्यों वो सबसे डिफिकल्ट है? आई विल टेल यू। ये वॉल की जगह पे ना इधर कोई इंसान होता ना तो क्रिस्टल क्लैरिटी होती किसको किससे माफी मांगनी। बट उस माफी में अभी आप एक चीज मिस कर रहे हो, पता है क्या? आप जब किसी को झापड़ मारते हो ना तो आपका हाथ भी लाल होता है, पता है आपको ये बात? आपने जिसको झापड़ मारा आप उससे तो माफी मांगते हो, आप खुद से माफी मांगते हो? समझ में नहीं आता ना क्यों मांगे? इट वॉज माई डिसीजन ना। You need to be sorry for yourself, क्योंकि जब तक आप ये रियलाइज नहीं करोगे कि आपने गलती की है तब तक आप उसको सुधारोगे नहीं। यदि आप आपके ऑफिस में हो जब तक आप ये रियलाइज नहीं करोगे कि आपने काम नहीं किया है या आपने गलती की है तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं निकालोगे। You need to be sorry to yourself for not realizing कि आप मिस्टेक कर रहे हो। And the best part, you know what? इन सब चीजों का ना आपकी लाइफ स्टाइल पे कोई इंपैक्ट नहीं है। इन सब चीजों का ना आपकी करियर पे कोई इंपैक्ट नहीं है। है? आपने ये कैसे बोल दिया? ये ना होम्योपैथी दवाई है, एलोपैथी दवाई नहीं है। होम्योपैथिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट होता है? कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है? कौन से इफेक्ट होता है? पॉजिटिव, राइट? नाउ अंडरस्टैंड, द मोमेंट आपने उस व्यक्ति को माफ किया जिसके साथ आपने आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तो उसके बाद जिस व्यक्ति के साथ आपको 5 साल रहना है, 10 साल रहना है, उनको माफ करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मैं आपको मेरी रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मेरा और मेरे ऑफिस में मेरे बॉस का कुछ झगड़ा हो गया। मैंने मेरे बॉस को जाके एक डायलॉग मुंह पे बोल दिया, पता है क्या? सर
neither me nor you. हम दोनों में से किसी ने भी ना इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शादी किसी ने भी नहीं की है. हम दोनों की जर्नी एक एक साथ तब तक की है जब तक हम दोनों इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. आप आपके बॉस एक्स बॉस के साथ कितने कम्युनिकेशन में हो? तो भाई एक दो साल जब हम दोनों एक दूसरे के साथ है तो क्यों लड़ाई झगड़े करने? आपको जैसे ही पता चल जाए कि आपके फैमिली मेंबर ऐसा कोई है जिसके पास लिमिटेड टाइम बचा है, आप उससे जाके लड़ते झगड़ते हो क्यों? जब ये बात मेरे को क्रिस्टल क्लियर है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ लिमिटेड टाइम रहना है तो क्यों भाई माता पूरी करे? आओ सर हंसी खुशी मस्ती से रहते. मेक सेंस सर? मुझसे गलती हुई है, माफ कर दीजिए. हाथ जोड़ता हूं, कान पकड़ता हूं, बोलो तो पैर पकड़ता हूं. बताइए इसके बाद आपको लगता है कि मुझे मेरे बॉस के साथ कभी कोई इश्यू आया होगा? सेम चीज आप अपने बच्चों के साथ कीजिए, सेम चीज आप अपने बाकी सबके साथ कीजिए, सिर्फ एक जन के साथ नहीं कर सकते. पता है क्यों? वो है खुद के साथ. पता है क्यों? क्योंकि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मिस्टेक विच यू आर डूइंग. एंड द मिस्टेक इज प्रीटी मच क्रिस्टल क्लियर कि ये जो विलन है, इस विलन को हराने का काम इस हीरो का है और ये हीरो आपको. एंड यू आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट्स कि आप इस विलन को हरा पाओ. अच्छा चलिए, एफर्ट्स का मतलब क्या है? मतलब आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे सर आप जो बोल रहे हो ना ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से है, हम बहुत अच्छे से समझते हैं, हमने 10 बार सुना हुआ है. आपने 6 द्रव्य बोलोगे ना 6 द्रव्य की डेफिनेशन बता देंगे. आप 5 पाप बोलोगे ना 5 पाप का लाइव एग्जाम्पल बता देंगे, 4 कसाई का लाइव एग्जाम्पल बता देंगे. Now, where is that missing connection between the 2 dots? वो जो 2 dot है उन दोनों के बीच का missing connection क्या है? We have got 8 minutes. So now let, अभी तक मैंने काफी build-up कर दिया है, काफी confusion फैला दिया है, काफी लोग अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए क्या चल रहा है. सो नाउ लेट अस कंक्लूड. नाउ अलाउ मी टू गिव यू अ क्लैरिटी, अ क्लियर पिक्चर. उत्तम क्षमा के दिन में हमें सबसे पहले क्षमा खुद को करना है इस चीज के लिए कि हमने जो सबसे इजी वो 10 लोगों के विलन में से जो सबसे इजी और सबसे पहले जो विलन हम पे अटैक करने आया था, 4 कसाई में से सबसे पहला कसाई कौन सा है? हेलो एम आई ऑडिबल? क्रोध कसाई. उस क्रोध कसाई से हमने झगड़ने का प्रयत्न ही नहीं किया. नरेंद्र जी आपका क्या सिस्टम है यार, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा. ऐसे चलता है क्या? थोड़ा तो सिस्टमाइज होना चाहिए कि नहीं? थोड़ा सा तो आपको और फोकस होना चाहिए कि नहीं? अब बताइए नरेंद्र जी आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? अरे सर ये उड़ती हुआ उड़ता हुआ तीर कहां से आ गया, मेरे को समझ में नहीं आया क्या गलती हो गई. मतलब
आप वो साइड बैठे हुए हो, सबको समझा रहे हो, तो आप क्या किसी को कुछ भी बोल दोगे क्या? अभी क्या है ना, हम लोग लाइव है तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। वैसे मिलते तो देखो, ये जो गुस्सा है ना, जिस मोमेंट पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया ना, सिंपल सा एक जवाब, इस अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि ये चीज मेरे दिमाग में आया तो इससे मेरा फायदा है कि नुकसान है। आपको बोला ना 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, क्या देखते हो आप, फायदा है कि नुकसान है? आई एम आस्किंग द सेम थिंग। आपको किसी पे गुस्सा आता है ना, खुद से पूछो गुस्सा करने में मेरा फायदा है कि नुकसान है? That's it. अगर नुकसान है एंड स्टिल यू चूज टू थिंक ऑन इट, यू नीड टू बी सॉरी फॉर दैट। सॉरी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ना इस दुनिया में ना सबसे ज्यादा मिसयूज्ड वर्ड कोई है तो वो है सॉरी, मिसअंडरस्टूड वर्ड है ना तो वो है सॉरी। सॉरी का मतलब ये होता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं दोबारा नहीं करने वाला। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी गुस्सा है ना, तो अब ये बात समझना कि आपको गुस्सा नहीं करना है। आपको गुस्सा किस पे आता है, चलो ये बताओ। आपको कभी खुद पे गुस्सा आया? That's what my point is, कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपको खुद को गुस्सा नहीं आया। आपको जब भी गुस्सा आता है ना, आपको दूसरों पे गुस्सा नहीं आता है, आपको खुद पे आता है। आग लगती है ना तो सबसे ज्यादा कौन जलता है पता है आपको? खुद नहीं, सबसे ज्यादा आग जलती है। आग ये बोले ना कि मैं सबको जलाती हूं, बाबा अगर एक जगह एक जंगल में आपने आग लगाई है ना, वहां पे एक पेड़ है ना, तो वो पेड़ 1 घंटा जलेगा, 2 घंटा जलेगा, लेकिन आग कितनी देर जलेगी स्टार्ट टू एंड? वैसे ही गुस्सा क्रोध जो है ना, उसके लिए आपको सॉरी किसी और को नहीं बोलना पड़ेगा, खुद को बोलना। अब मैं आपको एक और मजे की बात एंड कर रहा हूं मैं, इसलिए मैं आपको एंडिंग के 3 मिनट में ना आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कनेक्ट होगा वो मैं बता रहा हूं। मेरे ऑफिस के अंदर या समझो मेरी और मेरी वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, मेरी वाइफ मुझ पर गुस्सा हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला, I was happy. अब बताओ उस मोमेंट पे वो जो गुस्सा है वो गुस्सा किसको सैड कर रहा है, किसका दिमाग खराब कर रहा है? आप आपके ऑफिस में अगर किसी पे गुस्सा हो, इफ यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव अ पर्सन, तो किसको अंतर पड़ेगा? आपकी बॉस को अंतर पड़ेगा? पता है वो क्या बोलेगा? माफ नहीं करना तो मत कर भाई, छोड़ ना, मेरा क्या बिगड़ रहा है। सेम थिंग इज विद योरसेल्फ। मैं आपको सबसे पहले ये बोलूंगा कि आप दूसरों को माफी इसकी क्यों देना? बता सकते हो क्या? Why should you forgive others? कौन है?
One reason why you should forgive others, and that reason is not to have their forgiveness, but the reason to forgive others is to remove the cloth from inside us. क्योंकि जब तक मैं सामने वाले को माफी नहीं दूंगा ना, मेरे अंदर वो आग जलती रहेगी. जिस मोमेंट में मैंने सामने वाले को फॉरगिव किया ना, अच्छा माफ किया, बताओ सबसे ज्यादा रिलैक्स कौन होएगा? मुझे ना ये व्यक्ति है ना, मेरे को कौन क्या नाम है, मेरे को नरेंद्र जी बोलेंगे कि यार मुझे ना ये पंडित जी ना बिल्कुल सुहाए नहीं, समझ में नहीं आए मेरे को, ये इनको देखते साथ ही ना गुस्सा आता है. अच्छा एक बात बताना, अगर आपको गुस्सा आता है ना तो उससे मुझे क्या अंतर पड़ेगा? मैं तो इधर एक घंटे का लेक्चर दूंगा, मैं निकल जाऊंगा, अपनी लाइफ में बिजी हो गया. आई हैव अ चॉइस ना, मेरे पास स्क्रीन में 10 लोग हैं, मैं किसी को भी देखूं. डू यू हैव अ चॉइस? If you don't forgive me, तो आप किसको टॉर्चर करने वाले हो? So you need to forgive me not for the sake of me, but the sake of yourself. For you need to forgive because that is the first step to fight this 4 kids. ठीक है. आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर की है मैं आपको एकदम ब्रीफ में बता रहा हूं. सबसे पहले हमने क्विक रिवीजन किया है, 5 पाप 4 कषाय का, 6 द्रव्य का. 6 द्रव्य के अंदर भी हमारा फोकस था 2 चीजों के ऊपर, एक था जीव और उस जीव के अंदर भी आत्मा. हमने आज के लेक्चर में ये भी समझा है कि उस आत्मा पे जब हम फोकस करते हैं तो हमें ये चीज को दिमाग में क्रिस्टल क्लियरिटी रखनी चाहिए है कि हमारे इस भव में पैदा होने से लेके जब तक हमारा इस बॉडी के साथ संयोग है, उस समय तक यदि हमारा किसी के साथ सबसे ज्यादा लंबा संबंध होने वाला है तो वो है आत्मा. सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा दुख यदि हम किसी को देते हैं तो वो है हमारी आत्मा. हमारा हमारे स्पाउस से झगड़ा होता है या अगर यदि हमें हमारी फैमिली को हैप्पी करना है, यदि हमें सुखी होना है, तो उसके अंदर उसका एक ही सोल्यूशन है कि मैं खुद सुखी हूं, मैं खुद हैप्पी हूं, मैं खुद को माफ करूं. यदि मैं खुद को नहीं कर सकता तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि दूसरे भी मुझे करें. मेरे पास कोई हक नहीं है दूसरे को माफ करने का, ना ही मैं किसी को माफ कर सकता हूं, ना ही मैं किसी से माफी ले सकता हूं. मैं अब जाओ मैं बोलूं नरेंद्र जी एक्सट्रीमली सॉरी आप मुझे माफ कर, डज इट मेक सेंस? इट डज नॉट. नरेंद्र जी मैं आपको माफ करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे माफ करें. मैंने अपने मन से आप लोग सबके प्रति जो क्रोध भावना थी वो सब हटा के मैंने अपना जो स्वभाव है माफी का, सॉरी मेरा जो अपना जो स्वभाव है क्षमा का, अनंत सुख का, शांति का, अपने अंदर से आपको निकाल फेंक के शांति से रहने का जो स्वभाव है मैंने उसे एक्सेप्ट किया और मैं वैसे ही रहूंगा. The moment you accept this, the moment you make this a part of your life, trust me, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ सब हैप्पी हो जाएगी. योर असाइनमेंट फॉर नेक्स्ट 1 डे इज प्रीटी मच सिंपल.
आपके सामने जो व्यक्ति आए, अभी आप लोग का नाइट है राइट, अगले दिन आप लोग एक कागज में लिखो और उसको सबसे पहले सुबह उठना, क्या लिखोगे? मेरे आंखों के सामने जो भी आएगा मैं उसे माफ करूंगा। किस चीज के लिए माफ करूंगा? तीन चीजों के लिए। कौन सी तीन चीजें? वो तीन इंस्टेंसेस जिसके लिए मुझे मुझे उस पर गुस्सा आया था। यदि आपने मिरर में अपने आप को देखा ना, तो आपको वो तीन इंस्टेंसेस भी सोचने पड़ेंगे जहां पे आपने खुद को कष्ट दिया और आपको उसके लिए खुद को माफ भी करना पड़ेगा। टुमोरो आई वॉन्ट यू टू डू दिस एक्टिविटी एंड लेट मी नो कि आपकी लाइफ स्टाइल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इजी टू डू? आप ऑफिस में जाना, बॉस दिखाई दे, जूनियर दिखाई दे, उसकी गलती के लिए उसको माफ कर, सच्चे दिल से माफ करना। नहीं हो रहा है ना, तो एक कागज पेन लेना, लिखना उस पे, मैंने इसको माफ किया इन तीन गलतियों के लिए। आई एम श्योर नुपुर जी लिख के लाएंगी और कल वो ना सबको कि देखो मैंने इतने लोगों को माफ किया है इन कारणों से। एंड देन टेल मी कि आपका लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट है। हाउ क्लोज यू आर बिकमिंग टू सक्सेस। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है, सो आई विल क्लोज इट ओवर यू। नेक्स्ट क्लास का हम लोग क्या करने वाले, कैसे करने वाले हैं, वो मैं आपके लोगों के लिए थोड़ा सा रहस्य रखूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाने वाला हूँ विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको नेक्स्ट फोकस किस पे करना है। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कौन करना चाहेगा? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स जिनवाणी स्तुति के बाद आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्तुति इसलिए कर रहे हैं ताकि जिनको जाना है वो जा सकते हैं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कौन कहना चाहेगा? एनीबॉडी? हेलो, किरीट भाई आप बोलिए। वीना बेन आप बोलियो। वीना बेन, वीना बेन नहीं पाए ना, ना मन नहीं पाए, तो मैं बोल रही था। चलो क्या थी, शुरुआत करो। ये तो पंडित ने कही, पंडित जी आप भी बोलिए। चलिए सब लोग साथ में बोल लेते हैं। हाँ बोलिए। मिथ्यात्व नाश्व को सबको आता है? ओके, थैंक यू। आई विल बी सेंडिंग यू फ्यू टेक्स्ट। वी आर ओनली गोइंग टू डू दोस जिनवाणी स्तुति एंड दोस मंगलाचरण जो सबको आता है या सबके पास हो। ठीक है, आज के दिन हम लोग नमो का मंत्र से करते हैं, कल से हम लोग नमो का मंत्र से नहीं करने वाले। मैं आप सब लोगों को टेक्स्ट भेज दूंगा। ओके, डेली हम लोग अलग अलग करेंगे। परफेक्ट, चलिए सब लोग एक क्षण नमो का मंत्र बोले। चलिए, नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आर्याणम,
नमो वचायाणम नमो लोए सवसहुणम। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आई होप इट वाज इजी। नो इट